नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रवि चौधरी। आप देख रहे हैं मिस्टर कोडर। इस बार हम लोग पिलो लाइब्रेरी को यूज़ करके फ़ोटो को किस तरह हम रिसाइज कर सकते हैं, या फिर ब्लैंक फ़ोटो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर फ़ोटो को कैसे पाइथन में ओपन कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लिंक को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है पिलो फोल्डर करके, इसके अंदर मेरे पास इमेज फोल्डर है और यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे हम अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कमांड लगाएंगे कोड इंटर। ओके सॉरी, यहाँ पे स्टेशन ओपन हो चुका है, वर्क स्टेशन। तो चलिए यहाँ पे कुछ फोल्डर बना ले, फाइल्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे, तो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ओपन डॉट पी वाई। यहाँ पे हमने एक फाइल बना ली है, लेकिन उससे पहले हमें पिलो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा ताकि हम उसे इम्पोर्ट कर सकें। तो सबसे पहले कमांड लगाएंगे पिप इंस्टॉल पिलो। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास पाइथन के दोनों वर्जन है, 2.0 और 3.3। तो दोस्तों यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो चुकी है, सॉरी लाइब्रेरी डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे PIL ना कि पिलो। लाइब्रेरी का नाम पिलो है, लेकिन हम इंपोर्ट PIL करेंगे क्योंकि पहले इस लाइब्रेरी को PIL ही कहा जाता था, पाइथन इमेज लाइब्रेरी। ये यूज़ करते हैं हम इमेजेस को मैनिपुलेट या फिर उसके अंदर रिसाइज वगैरह करने के लिए, तो हम इसी तरह इंपोर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले कोड लिखूंगा, फिर आपको पूरा कोड एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने सिर्फ दो लाइन का कोड लिखा और एक फाइल लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। तो जैसे कि PIL के अंदर से इमेज क्लास को हमने इंपोर्ट किया, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसे IMG करके, उसके अंदर इमेज डॉट ओपन करके ये पाथ दे दिया, जैसे कि इमेज फाइल के अंदर हमारे बैड बॉयस JPG करके उसे, और इमेज डॉट शो यानी कि इसे शो कर दिया। तो चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे पाइथन, यहाँ पे हमने लिख दिया पाइथन 3 ओपन डॉट पी वाई। तो यहाँ पे फाइल शो कर दिए दोस्तों। अभी इस फाइल की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग प्रिंट करके देखेंगे, इस तरह हम फाइल को शो कर सकते हैं कि वो कौन सी फाइल है। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी प्रिंट करके देखते हैं हम इसकी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 5 लाइन और ऐड की है जिसके अंदर फॉर्मेट साइज मोड हाइट विड्थ करके हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, हम इसे प्रिंट करेंगे। तो अगेन रन किए फाइल को, तो यहाँ पे 5 लाइन आउटपुट आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास विड्थ थे, फिर हाइट थे। ओके मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, क्योंकि ये दिख नहीं रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 लाइन और ऐड कर दिए। तो जैसे कि यहाँ पे 5 लाइन और लिख दिया, आउटपुट आ गया हमें सॉरी। और फिर यहाँ पे सबसे पहले हमें विड्थ दी गई है, फिर हाइट दी गई है, मोड यानी कि कलर कौन से टाइप में फ़ोटो बनाई गई है, उसके बाद साइज़ दी गई है, साइज़ दो टाइप टप्पल में पास की गई है, एक विड्थ है एक हाइट है, उसके बाद फॉर्मेट दिया गया है JPG करके। तो दोस्तों अब हम फोटो को ब्लैंक फ़ोटो सबसे पहले हम क्रिएट करना सीखते हैं। एक ब्लैंक फ़ोटो जिसके अकॉर्डिंग टू उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, सिर्फ कलर होगा। तो सबसे पहले इस फाइल को सेव कर लेंगे और लिखेंगे ब्लैंक डॉट
तो आप एक फाइल क्रिएट कर ली है हमने, तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी को। तो कोड लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 लाइन की वापस कोड लिखा है और यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है जिसके अंदर साइज पहले लिखा है फिर इमेज डॉट शो। सबसे पहले हमने यहाँ पे ओपन यूज़ किया था ओपन डॉट पी वाई में, यहाँ पे उसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे न्यू। और यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास होते हैं इसके अंदर, जो पहला पैरामीटर होगा वो कलर होगा, फोटो की टाइप क्या होगी कलर की इसके बारे में हम देखेंगे आगे। और यहाँ पे साइज़ है और रेड, रेड यानी कि बैकग्राउंड होगा, साइज़ यानी कि फ़ोटो की साइज़ होगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार रन करके इसको। यहाँ पे दोस्तों फोटो शो हो गई है कि रेड बैकग्राउंड की हमारे पास एक फोटो है। आरजीबी दोस्तों एक कलर टाइप होती है, यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पे 1 दे दूंगा और फिर मैं इसे रन कर दूंगा तो ये दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि रेड दिया हूँ तो रेड कलर नहीं आ रहा, एक्चुअली 1 बिट होता है यानी कि सिर्फ वाइट होगा या ब्लैक होगी फोटो। तो यहाँ पे आरजीबी वापस दे देता हूँ। अगर आपने कभी एचटीएमएल सीएसएस किया होगा तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। ओके तो अभी इसे हम सेव कर, तो अब इस फोटो को हम सेव किस तरह करेंगे दोस्तों। तो हमें यहाँ पे img.img.save सेव करके एक मिलता है फंक्शन, इसके अंदर हमें हमारा पाथ डालना है इमेज का। उसके बाद एक्सटेंशन और फिर रन करेंगे हम इसे। तो देखिए रेड कलर की एक फ़ोटो बन चुकी है हमारे पास और यहाँ पे शायद वो सेव भी हुई रहेगी। ओके सॉरी रॉन्ग या स्मॉल आई है, हाँ यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक कलर की फ़ोटो भी आ चुकी है और ये सेव भी हो चुका है। यस परफेक्ट। तो इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों हम रिसाइज का प्रोग्राम बनेंगे, तो लिखेंगे हमने यहाँ पे फाइल बना ली रिसाइज डॉट पी वाई की। सिंपली सबसे पहले हमें एक फ़ोटो लेनी है, फिर उसको रिसाइज किस में करना है वो करेंगे हम थंबनेल फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हम यही फ़ोटो उठा लेंगे जो हमने ओपन की थी लास्ट टाइम, ये कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया और साइज़ देंगे एक साइज़ डिफाइन कर लेंगे जो हम पास करेंगे टपल में, जैसे कि हमने न्यू फोटो बनाते समय पास की थी। तो इसको भी हम 450 कर देते हैं, कॉमा 450। तो एक बार मैं आपको ये फ़ोटो दिखा देता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों हमने लास्ट टाइम प्रिंट किया था, इसकी विड्थ आई थी 1280 ये, और हाइट कुछ आई थी 720। अभी इसे हम चेंज करने वाले हैं रिसाइज करके। तो यहाँ पे एक और इमेज डॉट सॉरी एम जी डॉट है, तो यहाँ पे थंबनेल फंक्शन के थ्रू हम इसे रिसाइज करेंगे। और यहाँ पे साइज देंगे सबसे पहले साइज, सॉरी मुझे, और इसे शो कर देंगे।
तो कैसे रन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, फोटो छोटी हो गई है यानी कि रिसाइज हो गई है, तो अब इसे हम सेव कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा किस तरह हम सेव करेंगे, सेव फंक्शन का यूज़ करके। तो इसे वापस रन करके हमने रिसाइज फ़ोटो को सेव कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिसाइज करके आ चुकी है। तो अब हम फोटो को रोटेट करके देखेंगे, यानी कि समझिए हमारे पास एक फ़ोटो है। सबसे पहले इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसे सेव कर लिया है। सेम फ़ोटो को हम ओपन करेंगे। सॉरी, कॉल आ गया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है रोटेट ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज डॉट रोटेट 45 डिग्री, इसका मतलब 45 डिग्री है, और रोटेट डॉट शो यानी कि इसे शो कर दूँ। तो यहाँ पे रन करते हैं इसे। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 45 डिग्री एंगल के थ्रू रोटेट हो चुकी है फोटो। तो फिर दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट वीडियो में हम ये क्रॉप करने वाले हैं, जैसे कि टोनी स्टार्क का फोटो क्रॉप करके यहाँ पे हम डालेंगे इस फोटो के बीच में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मैं आगे वीडियो को बढ़ा सकूँ, वरना मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों।